फ्रेंड्स, मैं संजय सर, क्लास नाइन्थ का फिजिक्स में आज कुछ ग्राफ है। तो ग्राफ को बताना है कि किस टाइप का मोशन है। क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। यहाँ पे ग्राफ ए है, बी है, सी है एंड डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्राफ ए है, जीरो इसका स्पीड है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में टाइम है। तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम इन सेकेंड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो ये है, अब यहां से ये एकदम स्ट्रेट वे में ऊपर की ओर गया, यानी कि जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ऑब्जेक्ट है, कार है, उसका क्या होगा मोशन, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, उसकी इंक्रीज कर रहा है पर सेकेंड, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड की ओर, ऊपर की ओर जो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म, आंसर होगा इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज का, यहाँ पे टाइम एक्स एक्सिस जो है वो टाइम इन सेकेंड है एंड स्पीड जो है वाई एक्सिस में है। यहाँ पे स्पीड चाहे जो भी हो, यहाँ पे जो इनिशियल जो वेलोसिटी है और फाइनल जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे अगर हम जीरो लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 40 आता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो वेलोसिटी है अगर स्ट्रेट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे जो वी है और जो यू है वो क्या हो गया, दोनों कांस्टेंट हो गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो स्पीड है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, स्पीड इज कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड फिक्स है। एकदम 40 की स्पीड में, 30 की स्पीड में जो है मोशन जो है कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड जब होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा। नेक्स्ट है ग्राफ सी। ग्राफ सी में आप यहाँ पे देखिए कि ये स्पीड है और वाई एक्सिस पे स्पीड है एंड टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम इन सेकंड है। यहाँ पे एक जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड्स की ओर नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड नीचे की ओर आ रहा है, है ना, और ये एक्स एक्सिस पे आके ये स्टॉप हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी है वो घटते गया, यानी डिक्रीज करते गया, है ना। तो जब फाइनल वेलोसिटी जो है डिक्रीज करके, है ना, जीरो पे आ जाता है, ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन क्या हो जाएगा, उसका मोशन हो जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में है, है ना। तो ये इसका आ जाएगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा इसका, है ना, क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। और यहाँ पे जो देखिए ये वाई एक्सिस पे यहाँ पे और ये एक्स एक्सिस पे जो है ये कर्व लाइन आया है, है ना। तो ये कर्व लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व लाइन जो है ऊपर से अपवर्ड से डाउनवर्ड्स की ओर आ रहा है कर्व लाइन, है ना। तो ये कर्व लाइन जो है अगर ये इस साइड में ऐसे रहता, है ना, तो ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म, बट ये ऊपर से डाउनवर्ड्स की ओर आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जब डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ जो है
रिप्रेजेंट करता है। अब इसको जो है किस तरह से हम इसको निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार गिवन अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, वाई एक्सिस पे स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड एक्स एक्सिस टाइम इन सेकेंड जो है, यहाँ पे 10, 20, 30 एंड 40 एंड 50 मीटर पर सेकेंड। नीचे टाइम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड 50 सेकेंड। तो नंबर वन क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय ओए। तो अभी हम स्टडी कर चुके हैं कि ओए जो है इंक्रीजिंग पॉइंट पे है, इंक्रीज है अपवर्ड्स की ओर, है ना। तो ओ से ए, ओए रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म ओए रिप्रेजेंट व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड जो है वो अपवर्ड में इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय ए बी। तो ए बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट इज ए टू बी, ए बी इज रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट स्पीड, ए बी रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट स्पीड, ए बी रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट स्पीड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाई बी सी। तो बी सी, द बी सी लाइन रिप्रेजेंट द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी जो स्पीड इज डिक्रीजिंग, सो बी सी रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बी सी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बी सी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए कार फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए। तो ओ टू ए एक्सेलरेशन, वी नो दैट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो वी माइनस यू अपॉन टी, तो वे वी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, वी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, यू इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो एंड टाइम टी, टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 40 माइनस जीरो अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन 10, कैंसिल हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। यू लुक हियर, ए फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी बी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी यू इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड एंड वी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ए टू बी फाइनल वेलोसिटी यू 40 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट बी 40 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टी, टाइम टी इक्वल टू टाइम टी 30 एंड 10, तो 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो वी 40 मीटर पर सेकेंड,
u also 40 meter per second upon time 20 second. The 40 minus 40 is equal to 0 upon 20. That is equal to acceleration is equal to 0. Okay? The A to B acceleration will be 0 because this speed is constant. Next question, what is the retardation of a car from B to C? B to C. B to C, yani initial velocity B and final velocity point C, that represent V, U is equal to 40 meter per second. U solution, U is equal to initial velocity 40 meter per second, V, yani 0, ठीक है, on time, 50 minus 30, that is equal to 20 second, ठीक है, retardation, यानि A, acceleration is equal to V minus U upon T, that is equal to 0 minus 40 upon 20, minus 40 upon 20, that is equal to, cancel out हो गया, minus 2 meter per second square. So, negative acceleration, so the retardation, so retardation is equal to retardation is equal to 2 meter per second square. So this is your answer. है ना? इस टाइप से हम ग्राफिकल मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल जो है हम स्पीड टाइम ग्राफ का सॉल्व करते हैं और भी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से बुक में होगा तो, है ना? आज के लिए इतना ही, थैंक यू.